हेलो स्टूडेंट, पूर्व के वीडियो में हमने जुडिशियरी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा कि जस्टिस क्या है और जो उसके वेरियस लेवल्स ऑफ द जुडिशियरी हैं वो क्या हैं, फेडरल जुडिशियरी क्या है। आज इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे कि जो जुडिशियरी में प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या योग्यताएं हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मतलब आर्टिकल जो 124(2) में राष्ट्रपति द्वारा क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने साइन करते हैं और उसको उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की वो नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अल्टीमेटली नियुक्ति की जाती है। दूसरी बात है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 124(2) में जो परामर्श शब्द का तात्पर्य ये है कि सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं बल्कि अनेक न्यायाधीशों से परामर्श से है। मतलब राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ अकेला ही किसी एक व्यक्ति से परामर्श नहीं करेगा बल्कि जो दूसरे अन्य न्यायाधीश हैं उनसे भी परामर्श करने की प्रक्रिया बताई गई है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए और इस मंडल में भावी मुख्य न्यायमूर्ति भी अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका कि सुप्रीम कोर्ट के जो चार सीनियर जजेस जो हैं उनका एक मंडल बनाया जाएगा, उस मंडल के परामर्श से जो सिफारिशें आती हैं वो राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए और इस मंडल में मतलब जो कॉलेजियम बनेगा उसमें जो मुख्य न्यायाधीश चुना जाना है उसको भी शामिल किया जाना आवश्यक होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में लंबे समय से चले आ रहे योग्यता और वरिष्ठता के जो द्वंद है, जो उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, ये वरिष्ठता को आधार बनाया गया। अर्थात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर होती है, तो इसमें सीनियोरिटी का ध्यान रखा जाता है। अगला पॉइंट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य वरिष्ठतम यानी कि सीनियर जजेस शामिल होते हैं। इस व्यवस्था के विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई थी लेकिन उसको क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है कि उसकी संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है। तो आज भी यही व्यवस्था है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। अब एक प्रश्न उठता है कि कॉलेजियम प्रणाली यानी कि मंडल प्रणाली और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में क्या डिफरेंस है या क्या तुलना हम कर सकते हैं। कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या 5 होती है। 5 कैसे होती है? एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। दूसरी बात आती है कि
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल की आम सहमति होनी चाहिए। यदि कॉलेजियम के दो न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। कॉलेजियम के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। कि किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मंडल की आम सहमति होनी चाहिए, क्योंकि यदि जैसे इसमें जो दो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। कॉलेजियम के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए, मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके निर्णय के बाद ही बाकी का निर्णय मान्य होता है। न्यायिक नियुक्ति आयोग में ये तो था कॉलेजियम में। दूसरी बात आती है हमारी, न्यायिक नियुक्ति आयोग में सदस्यों की संख्या 6 करने का प्रावधान था। इसमें कौन कौन से होते? 6 सदस्यों में से एक भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसे अध्यक्ष और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा एक सदस्य के रूप में भारत का कानून व न्याय मंत्री और दो प्रसिद्ध व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान था। दो हस्तियों का चयन 3 सदस्यीय समितियों को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे। देखिए, पहली बात तो जहाँ कॉलेजियम में संख्या 5 थी वहाँ 6 करने का। दूसरी बात है, 6 सदस्यों में से एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा जिसे अध्यक्ष कहा जाएगा, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे तथा एक सदस्य के रूप में भारत का कानून व न्याय मंत्री होगा और दो प्रख्यात व्यक्तियों मतलब दो हस्तियों का चयन 3 सदस्य समितियों को करना था। और कौन करेंगे वो समिति सदस्य, कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, क्योंकि पक्ष वाला तो प्रधानमंत्री हो गया और मुख्य न्यायाधीश हो गया, और तीसरा जो है सबसे बड़े विपक्ष दल का नेता इसमें शामिल होगा। तो इस तरह से जो है वो दो व्यक्तियों के मनोनयन के लिए 3 सदस्य समिति का प्रावधान रखा गया है। दूसरी बात है, एक और बात इसमें आती है कि प्रख्यात व्यक्ति के में से किसी एक का चयन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या महिलाओं में से किया जाना था। कोई मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा या कोई विख्यात व्यक्ति 3 वर्षों के लिए नाम निर्देशित किए जाने और पुनर्नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होने का प्रावधान था। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भी दो सदस्य वीटो कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के सम्मुख नहीं की जाती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक लंबा प्रोसेस है जो चलता है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरह से की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए हमारे संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जैसे संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, अनुच्छेद 124(2) में दिए गए प्रावधान ही मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होते हैं। एक और बात हमारे सामने आती है कि भाई क्या जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति है या उनका चयन सिर्फ सीनियोरिटी के आधार पर होना चाहिए या योग्यता के को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस संबंध में 1958 में लॉ कमीशन ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, उसमें योग्यता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। किंतु 1973 तक सभी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम के आधार पर ही होती थी। 1973 और 77 में दो बार सीनियोरिटी के नियम का उल्लंघन किया गया। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 के बहुमत से केशवानंद भारती मामले का निर्णय सुनाया था। मुख्य न्यायमूर्ति श्री एस एम सीकरी को उसी दिन सेवानिवृत्त होना था। उसके बाद क्या हुआ कि वरिष्ठता क्रम में 3 ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने केशवानंद मामले में
संविधान के मूल ढांचे की धारणा का समर्थन किया था, जिससे सरकार उनसे नाराज थी। और ये तीन जो न्यायाधीश थे वो कौन कौन थे? जे एम शैलेट, के एस हेगड़े तथा एस एन ग्रोवर। इंदिरा गांधी सरकार ने इन तीनों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए वरिष्ठता को लांघकर और श्री ए एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। और जस्टिस ए एन रे 1973 से 1977 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। ये एक कंट्रोवर्सी डिसीजन था सरकार का। 1977 में जब जस्टिस ए एन रे सेवानिवृत्त हुए तो हंसराज खन्ना वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, किंतु इंदिरा गांधी की सरकार ने वरिष्ठता क्रम को लांघकर, क्योंकि क्या केस था उनके मामले में, तो क्या था बंदी वो केशवानंद भारती मामला केस था, लेकिन इस बार क्या केस था, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में उनके द्वारा दिए गए जो असहमत निर्णय से सरकार नाराज थी, इसलिए जस्टिस हमीदुल्ला बैग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। में न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले का फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही की जाएगी। उसके बाद से वरिष्ठता क्रम की व्यवस्था निरंतर लागू है। जब तक इससे बड़ी पीठ का निर्णय इसको पलट कर कोई वैकल्पिक व्यवस्था न दे, तब तक इसे नहीं बदला जा सकता है। स्पष्ट है कि वर्तमान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत स्थिर हो चुका है, और उससे ये फायदा होता है कि न्यायाधीशों में इस पद को लेकर कोई खींचतान नहीं होती है, न ही किसी भी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना पैदा होती है। पर इसका नुकसान ये है कि कभी भी ज़्यादा योग्य न्यायाधीश सिर्फ इसलिए मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाता क्योंकि उनकी वरिष्ठता कम थी। कंसोलिडेट करके यदि हम देखें तो ये माना जाता है कि वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद है। तो आज अगर हमसे कोई कहे कि भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है या वरिष्ठता के, तो हमारा जवाब होगा वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। थैंक यू।